Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna श्रीमद भगवद गीता अध्याय तेरह श्लोक संख्या तमम सर्वेश भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् तिष्ठन्तं परमेश्वरम् विनश्यत् विनश्यत् विनश्यतशु अविनश्यन्तम्

या तेरा श्लोक संख्या तमम सर्वेषु भूतेषु तिष्टंतं परमेश्वरं विनश्यतश्व विनश्यंतं यः पश्यति श पश्यति पढ़िए आप अभिषेक, आप यहाँ से आप लोग आप लेंगे पढ़ी। भगवत गीता बातें जो। हाँ।

हरे कृष्ण आप लोग में पढ़ेंगे आप पढ़ेंगे माता जी आप पढ़ेंगे भाव से सर्वेशु जीवों में वास करते हुए नाशवान रहित यह जो पश्यति देखता है कह तो वही पश्यति वास्तव में अनुवाद एवं तात्पर्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रीलप्रपात के लप्रपात के लप्रपात अनुवाद में लिखते हैं जो परमात्मा को समझ शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा नहीं परमात्मा कभी भी विनिष्ट होता है वह वा वास्तव में देखता है जो ठीक तो अब यहाँ पर भगवान दूसरी ज्ञान की दृष्टि बता रहे हैं ठीक है कल भी हमने कुछ सुना था आज दूसरी ज्ञान की दृष्टि बता रही कल का क्या श्लोक था कल क्या बताया था वो? क्या चर्चा किए थे वो स्थापित ठीक है तो आज देखिए उस वन बता रहे हैं तमम सर्वेशु भूतेशु क्या कह रहे हैं सभी जीवों में तमम सर्वेशु भूतेशु ठीक है सभी जीवों में तिष्ठंतम परमेश्वरम मतलब परमात्मा भगवान समान रूप से स्थित है ऐसा है क्या में ज्यादा और आप में कम ऐसा है क्या नहीं है ना सब में समान रूप में है जितना आप में है उतना मुझ में भी है फिक्स है ठीक है विनश्यत्व सॉरी विनश्यत विनश्यंतम जब यह शरीर नष्ट हो जाएंगे अविनशंतम जब यह शरीर नष्ट हो जाएंगे तब ये परमात्मा और जीवात्मा दोनों नष्ट हो जाएंगे नहीं हो यह पश्यति। मतलब जो इस प्रकार से देखता है वो इस प्रकार से देखता है वह देखता है एक्चुअल में देख रहा है ठीक है तो अगर इस प्रकार से लोग देखना शुरू कर दे तो फिर तो शोक का एक बहुत बड़ा कारण ही खत्म हो जाएगा है ना कि भाई कौन मराया हड़ताल नीचे नहीं रखी तो प्रकार से खत्म हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि भगवान की यह देखना कि भगवान सभी के हृदय में समान रूप से हम सभी के हृदय में कैसे भगवान समान रूप से और सभी को सभी को सभी को उनकी उनकी भोग प्रदान कर मतलब जो व्यक्ति है जो जीव है जो भोग भोग रहा है उसे प्रदान करने में भगवान क्या कर रहे हैं सुविधा प्रदान कर रहे हैं और अगर वे भक्ति करते हैं ध्यान देना चाहिए अगर वे भक्ति करते हैं तो वहां भी उसकी भक्ति को ग्रहण करने के लिए समान रूप से बैठे हुए ठीक है व्यक्ति भोग भोगना चाह रहा है इंद्र तृप्ति करना चाह रहा है कुछ खाना चाह रहा है कुछ मूवी देखना है कहीं जाना है घूमना है उसको भी वो व्यवस्था दे रहे हैं भगवान लेकिन अगर कोई भक्ति कर रहा है तो उसको भी वो व्यवस्था कर रहे हैं और उसकी भक्ति को स्वीकार भी इंडिविजुअली इंडिविजुअली कर रहे हैं ठीक है तो भगवान मतलब एक चीज ध्यान भगवान सभी के हृदय में है और कभी किसी को घृणा की दृष्टि से नहीं देखते समता की दृष्टि से ऐसा नहीं है कि अरे चंडाल है या सुअर है ताय तो इसके हृदय में भगवान नहीं भगवान इससे पहले वाले श्लोक में हम देखे थे क्षेत्र और दो प्रकार के क्षेत्र के दो प्रकार के क्षेत्र के कौन कौन थे आत्मा और परमा क्षेत्र इस शरीर को कहा जाता है क्षेत्र जो इस शरीर के भीतर है शरीर के अंदर कौन कौन है जीव आत्मा है और परमात्मा है तो उनको क्षेत्र कहा ठीक है तो मतलब अन्य योनियों में भी जो है तो उसमें भगवान ठीक है अब यहाँ के कह रहे हैं यह पश्यति स्वश्यति विनश्यत आ... विनश्यंतम देखिए इससे पहले वाले श्लोक में हमने देखा था कि क्षेत्र और दो प्रकार के क्षेत्र के आत्मा और परमात्मा को अब इसमें यह देखना जरूरी है कि यह शरीर शरीर में विभिन्न जीव को देख रहा है ठीक है जो आप यहाँ पर बैठे हुए हैं और हम बैठे हुए हैं तो दोनों में कोई अंतर है कि नहीं कृष्ण प्रभु बैठे हुए हैं इधर शंकर प्रभु बैठे हुए हैं दोनों में कोई अंतर है कि एक ही आप लोग ना हाँ अलग अलग है कि एक ही है क्या हाँ अलग है ना अब देख सकते हैं ना मतलब कुछ लोग कहते हैं कि एक ही है सब एक है हम तुम वो सब एक ही है ऐसे लोगों कहते सुना है सुना है कभी हा? मैं भी एक तू तो भी एक भगवान भी एक ही है मतलब हम लोग सब एक ही है है ना तो ऐसे मैं अक्सर एक एक, एक सुनाता हूँ उनका महाराज बता रहे थे मधुसूदन मदु, मधुसूदन दास सरस्वती है ना तो वह भी इस प्रकार से मानने वाले थे और अद्वैत मत को है ना उसमें द्वैत नहीं था अद्वैत मैं भी एक और भगवान भी एक है ना तो वो भी बड़े भगवान के पास घमंड से रहते हैं अरे क्या दोनों में क्या अंतर है वो भगवान के पास प्रणाम भी नहीं करते हैं। तो वो हमेशा ऐसे ही मानते थे बहुत सुंदर कथा है और उनका परिवर्तन हो गया था किस प्रकार से महाराज बता रहे थे कि वह व्यक्ति अः अद्वैत को मानते थे कि मैं भी आप भी वही है और भगवान भी वही है दोनों सेम है दोनों ब्रह्म है दोनों में कोई अंतर ही नहीं है उनका फिलोसफी ये है कि अः जीव भी भगवान ही है लेकिन क्या थोड़ा माया से आवृत हो गया इसलिए अपना भग, भगवानत्व मतलब भगवान की जो शक्ति वो खो गया है लेकिन थोड़ा साधना करेगा तो भगवान फिर से बन जाएगा तो मधुसूदन दास सरस्वती महाराज एक बार क्या हो गए कि वह किसी तरह से वृंदावन चले गए वृंदावन चले गए तो बिहारी जी का दर्शन करके वह निकल रहे थे या दामोदर राधा दामोदर का साथ दर्शन करके वो निकल रहे थे और जब निकल रहे थे तो एक छोटा सा बच्चा एक छोटा सा बच्चा आया और उसने कहा क्या हाल है ब्रह्म जी ऐसे ही उनको मजाक टोंट मारते हुए क्या हाल है ब्रह्म जी तो वो एक बच्चा आकर के पूछे उनसे क्या हाल है ब्रह्म जी तो क्या बोलेगा तो तो कुछ नहीं बोले तो फिर वही तुरंत दोबारा प्रश्न डाकते हैं अच्छा एक बात बताइए और वो अद्वैतवाद थे और उनके और महान विद्वान थे बहुत प्रचंड विद्वान थे तो जब भी कोई उनके साथ डिस्कस करता था तो उनको क्या करते थे वो हरा देते थे और हराने के बाद वो अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करते थे ओह

जब दोनों एक ही है आप भी एक है वो भी एक है आप भी किशन प्रभु है आप भी शंकर प्रभु है दोनों एक दूसरे को हरा करके कैसे आपको आनंद मिलता है तो बताइए समझे अब इतना बात पूछना था कि उनका माथा घूम गया बाप रे बाप छोटा सा बच्चा क्या बोल दिया हमको अब जब वहां से वो निकले जो अद्वैत मत को मानने वाले थे बस वहां से जैसे ही निकले वो एकदम शुरू हो गए हे कृष्ण हे गोविंद हे कृष्ण हे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 उनकी मती ही बदल गई बस एक एक इंसिडेंस में अब वो आ गए काशी काशी के थे अद्वैत मत वाले वहाँ बहुत रहते हैं काशी या बनारस कहीं के थे तो आ गए वापिस तो, उनके करोड़ों हजारों शिष्य और सबको अद्वैत मत का बहुत बड़ा बड़ा वो लेक्चर देते थे तो आए तो देखते अरे सब शिष्य लोग देखते हैं ये तो हमारे गुरुदेव का क्या हो गया ये तो कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं गोविंद गोविंद कर रहे हैं इनकी स्थिति सही नहीं जान पड़ती है पूरा परेशान हो गए पूछते हैं कि गुरुदेव जी गुरु जी क्या हो गया आपका सब ठीक है ना बोले हाँ सब कुछ ठीक है क्या हुआ ठीक तो नहीं है अगर ठीक होता तो फिर ये हरे के हमेशा कृष्णा गोविंद इस प्रकार से क्यों बुलाते भगवान का नाम ये तो अद्वैत मत वाले है तो ब्रह्म खुद ही है दूसरों को क्यों बुलाते फिर भगवान के नाम का उच्चारण क्यों करेंगे ये तो उस समय बोले ना इनकी स्थिति अन्य पंडितों भी मिले अन्य अद्वैतवादी मिले और बोले नहीं कुछ परीक्षा लेनी पड़ेगी तो बिठाया गया और पूछा कि अगर सब सही है तो आप बताइए कि तत्व कौन है तो जानते थे कि अगर सब सही है तो बोलेगा ब्रह्म तत्व है अब वहां पे वो बोलते हैं वंशी विभुक नवनीर दाभा जिनके अधर पे वंशी है और जो नित्य क्या करते हैं जो नित्य अपने अधरों से एकदम नवीन नवीन धुन छोड़ रहे हैं छेड़ रहे हैं वंशी विभूषित क्या था वंशी विभूषित करात नवनीर दाभा पीताम क्या सो ये था ना इस प्रकार तो से मैं थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ थोड़ा सा मिस और... no, 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 no. That... मेरे पास हाँ okay. वंशी विभूषित करात नवनीर दाभात और जो पीत रंग के वस्त्र पहने हुए हैं और जिनके ओष्ठ कैसे है? तो कुंदरी का फ्रूट होता है ना कुंदरी कुंदरी पक जाने के बाद कैसे हो जाते लाल हो जाता है तो जिनका अधर लाल है पूर्णेन्दु सुंदर मुखात बिंद नेत्रात कृष्णात परम किमपि तो अहम न जान जब उनके सभी सभी लोगों ने पूछा कि बताओ तत्व क्या है तब तो वह क्या कहते कृष्णा परम कि तत्व हम न कृष्ण से बड़ा कोई तत्व है ये मैं जानता ही नहीं और होगा तो होगा मैं नहीं जानता हूं तब तो सभी इतने बड़े लुबू तो मतलब हलचल मच मत गई क्या बोल तो रहे उसके बाद उन्होंने फिर गीता का ट्रांस मतलब फिर पार्थ भी लिखा

तो देखना होगा कि विभिन्न शरीरों में विभिन्न जीव हैं और दोनों के शरीर में परमात्मा क्या है ठीक है ठीक है तो यहाँ बोल रहे हैं समम सर्वेशु भूतेशु तिष्ट परमेश्वरम मतलब भगवान परमेश्वर सभी शरीरों में एक है और एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण बोल रहे हैं परम नियंता ऐसा नहीं है कि खाली बैठे हुए हैं भगवान शरीर के अंदर जाकर के स्थान ले लेके बैठे हुए ना वो क्या कर रहे हैं नियंता नियंता बोले तो कंट्रोलर नियमन कर रहे हैं हमारे समय हमारे क्या कर रहे हैं नियमन कर रहे हैं जैसे अभी हम सब लोग हम लोग प्रवचन कर रहे हैं लेकिन सबको ग्रहण करने की स्थिति जो है सो अलग अलग है है ना सब लोग अलग अलग लेवल से ग्रहण कर पा रहे तो धीरे धीरे वैसे जब हम भक्ति करते हैं तो ग्रहण करने की क्षमता बढ़ने लगती है आप जब पहले दिन आए थे क्या उसी तरह आज भी समझ पा रहे हैं कि दोनों कुछ बदलाव लग रहा है बदलाव लग रहा है ना आज अधिक समझ पा रहे हैं ना पिछले दिन थोड़ा कम लगता होगा और जैसे जैसे अब आते जाएंगे हरिनाम जब करते जाएंगे आप महसूस कर पाएंगे कि हम हमें बदलाव आ रहा है हम उसको और अच्छे से समझ पा रहे हैं तो ये कौन कर रहा है इस प्रकार से हमारे हृदय में भगवान है और ज्ञान की वृद्धि को क्या कर ज्ञान को क्या कर रहा है वृद्धि कर रहे हैं प्रकट करा रहे हमारे हृदय में ठीक है तो अगर हम भक्ति करते हैं ठीक है तो समझ में आता है कि हम कर रहे हैं तो है मैं बैठ शरीर के अंदर जो ज्ञान का प्रकाश को प्रज्वलित कर रहा हैं तो है। अगर हम भक्ति करते रहेंगे तो हमें और समझ में क्या कि भाई शरीर का नाश हो जाता है आत्मा का नाश नहीं होता धीरे-धीरे करके समझ में सब चीज आ जाती है ठीक है तो जब इस प्रकार से व्यक्ति देखता है आप कहेंगे प्रभु जी ये तो बड़ी आसान सी बात है आप ये नया क्या बता रहे हैं हम लोग तो बचपन से जान रहे हैं कि शरीर का नाश होता है आत्मा का नाश नहीं होता है लेकिन हम लोग क्या इस प्रकार से सोच सकते हैं नहीं नहीं ना सोच सकते हैं अगर हम बार बार सुनते रहेंगे तो फिर हो जाएगा ठीक थी। है धीरे धीरे प्रकट में धीरे धीरे समझ में आने लगेगा और फिर धीरे धीरे वह प्रकट होने लगेगा ठीक है अगर हम मन में प्रश्न हो सकता है कि भाई आत्मा ही है शरीर ही है रोज हम तो सुन ही रहे हैं फिर हम भयभीत क्यों हो रहे हैं कोरोना आ रहा है ना अभी एक बार आया दो बार आया भयभीत क्यों हो रहे क्यों रहे हम कोरोना ना तो सबको है ही रोज इसका मतलब क्या कि हम कुछ नहीं करें कोरोना को जाके पकड़ ले गल लगा ले कोरोना हुए व्यक्ति को नहीं प्रिकॉशंस लेने हैं ठीक है लेकिन भयभीत नहीं होना है भय भय होने की जरूरत नहीं है शरीर को बचाने का अर्थ है कि जो इसके लिए नीडफुल है जो जरूरत है उसको पूर्ण करना इसका अर्थ यह नहीं कि हमारे जो भक्ति के कार्य भी जो है उसको भी हम बंद कर दें और केवल और केवल बैठे रहें आप बहुत बता रहे थे परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को कोविड हो गया हो गया ना महाराज जनरली सारे कार्य कर रहे जो भक्ति के कार्य कर कोई भी कार्य नहीं छोड़ रहे तो डेली तो ये हाँ हमें भयभीत नहीं हो जाना चाहिए कुछ, कुछ हमारे भक्त लोग तो मंदिर नहीं आ सकते यहाँ नहीं आ सकते वैसे नहीं तो इस प्रकार से भयभीत होने की स्थिति नहीं है ठीक है हाँ हमें हा, जो प्रिकॉशंस है वो लेना चाहिए ठीक है अब जो भक्ति के कार्य हम उसको भूल करके भी भयभीत होते रहे Yes, भय भाई से भाई से मर गए अब सोचिए क्या स्थिति है कि डर से मर गए हमने सुना कि कोविड हुआ और व्यक्ति छत पर से कूद दिया कि मुझे कोरोना हो गया अब बचाओ जो भी बचने की संभावना थी वो भी खत्म हो गई मर रहता है और क्या केवल कोरोना से ही लोग मरते हैं क्या ऐसा लिखा हुआ है क्या केवल कोरोना से ही लोग मर रहे नहीं ना और क्या हम नहीं मर सकते क्या क्या शंकर? मर सकते कि नहीं मर सकते ऑबवियसली मर सकते ठीक है मर ही जाएंगे हर एक व्यक्ति वाकई वो तो अलग बात है मैं खाली ये प्रश्न ये ये बोल रहा हूँ कि भाई भीत क्यों हो रहा है अगर हम जान रहे हैं कि वो आत्मा है पर आत्मा वाकई हम लोग मरते हैं क्या वरना तो ही थोड़े पहले प्रश्न किया कि हम लोग मर सकते हैं क्या तो रहा हम लोग जीव कभी मर नहीं सकता आत्मा कभी मर आत्मा अमर और अगर देखा जाए अगर हम मर ही रहे हैं तो आपकी एज क्या है हा? आप 20 साल में थ्री टाइम्स मर चुके कितने बार पढ़ाए कि नहीं हर एक सात साल में पूरे बॉडी के सेल्स चेंज हो जाते हैं पूरा का पूरा बॉडी बदल जाता है कि नहीं कितने दिनों में बदलता है एवरी सेवन ईयर्स एक साल के बाद तीन बार हम मर जाएंगे अब आप बैठ के रो रहे हैं कि मेरा बचपन का शरीर नहीं आ रहा है हम थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो रोएगा मैं बचपन में छोटा मोटा गोलमोल था अब नहीं हूं रोएगा नहीं रोएगा तो आखिर हो क्यों रहा है आखिर यह हो क्यों रहा है हम लोग भोगविष्ट हो चुके हैं बहुत तरीके बहुत तरह मतलब क्या कहते हैं बहुत कस करके पकड़ के रखे हुए भोगों के प्रति जो है भावना बढ़ गई है कि हम लोग शरीर हैं और हम अपने इंद्रियों को संयमित करते हैं जब करते हैं तो हम देख पाते हैं कि हम से है भक्त लोग उतना अधिक टेंशन नहीं लेते उतनी चिंता नहीं करते क्योंकि तो भक्त लोग जानते हैं कि भगवान जो हमें अगला जो स्थान देंगे वह उच्चतर स्थान देंगे है कि नहीं हर एक व्यक्ति यह जानता है गीता के माध्यम से कोई भी व्यक्ति भगवान को भगवान की पूजा करता है भगवान का नाम उच्चारण करता है भगवान को प्रणाम करता है भगवान का प्रसाद खाता है तो उसका उद्धार निश्चित है उसका। अब इसका भी नहीं है कि हम खुद से जा करके सुसाइड कर ले इस जीवन में बहुत कष्ट हो रहा है सुसाइड कर लो क्या क्या कहते हैं उसको फ्यूचर क्या होगा मैं सुसाइड कर लो इस डर से सुसाइड कर लेते हैं ये मूर्खता ध्यान रखना चाहिए इससे हमें भयभीत नहीं होना सिखाया जा रहा है मूर्ख बनना नहीं सिखाया जा रहा है नहीं तो कुछ लोग मूर्खतावस कराते हैं ना इस प्रकार से कार्य अरे आत्मा नहीं मरती जाओ मर्डर कर दो उसका है ना आपने सुना है कुछ क्राइम होता है इस प्रकार भगवत गीता को माध्यम बना करके इस प्रकार से क्राइम कराए जाते हैं देखो गीता में लिखा है आत्मा नहीं मरती है नहीं मरेंगे जाओ तो मार दो मर्डर कर दो तो ये सब मूर्खता होता है भक्त मूर्ख नहीं होता है लेकिन अब इसका अर्थ ये भी नहीं होता है कि वो भयभीत रहता है। तो इस प्रकार से देखना चाहिए इस प्रकार से देखना चाहिए कि मैं शरीर को शरीर क्या कहते हैं मैं इस शरीर के नष्ट होने के बाद मैं मतलब जीव, जीव जो है नष्ट नहीं होता है जैसे इस जीवन में मेरे कई सारे शरीर नष्ट हो गए हैं थ्री टाइम्स यू हैव ऑलरेडी लॉस्ट योर बॉडी राइट थ्री टाइम्स तीन बार आपने खो खो दिया आपने को। तो हम लोग रो रहे हैं क्या नहीं रो रहे हैं ना हम पहले इतना छोटा सा होगा ना गोदी में उस शरीर के लिए रोते हो नहीं मम्मी मुझे वही शरीर चाहिए वही शरीर चाहिए मम्मी और फिर भगवान जो है गीता टीका पर अनुवाद देखता है जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो यह समझता है कि भीतर ना तो आत्मा नहीं परमात्मा कभी भी विनिष्ट होता है वह वास्तव में देखता है भूषण इसलिए व्यक्ति को जीव से विवेक अलग देखना चाहिए परंतु जीव और प्रकृति में स्थित देखना चाहिए यह सत्य इस श्लोक से कह रहे क्या मतलब है इसका क्या मतलब है समझ में आ रहा है देखिए लोगों के पास नोट्स नहीं होगा ना एक टेलीग्राम ग्रुप है आप जुड़ सकते हैं है है तो तो उनके साथ शेयर करिए ना तो यहां पे क्या कह रहे हैं देखिए इसलिए व्यक्ति को अभी अब टेलीग्राम मत करिए अपना मोबाइल दीजिए उनको अभी टेलीग्राम पे जोड़ेंगे इसलिए व्यक्ति को क्या कह रहे हैं इसलिए व्यक्ति को भगवान को जीव से जीव से विविक्त अलग देखना चाहिए देखिए समझिए छोड़ दीजिए अभी इसलिए व्यक्ति को भगवान को जीव से विविध अलग देखना चाहिए परंतु जीव और प्रकृति में स्थित देखना चाहिए योक क्या मतलब है समझ में आ रहा है yes. पिछले श्लोक में हमने क्या सीखा था कि इस जगह में कुछ जो कुछ भी दिख रहा है वह क्या है क्षेत्र और क्षेत्र का चनयोग्य है है ना बिना क्षेत्र का क्षेत्रज्ञ हाँ बिना क्षेत्रज्ञ का क्षेत्र नहीं रह सकता बिना आत्मा का शरीर नहीं रह सकेगा वो क्या हो जाएगा बेकार हो जाएगा व्यक्ति मर जाए आप उसको कितना भी श्रृंगार करो वो उठ करके सेल्फी नहीं खींच सकता है खींच सकता है क्या नहीं खींच सकता है कुछ भी रहे या फिर उसे रेमोड का सूट पहना दो और। कितना स्मार्ट दिख रहा है कुछ बोलेगा वो कोई रिफ्लेक्शन नहीं कर रहे तो यह बॉडी भी है जो है उसको क्या है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ही है ठीक है और क्षेत्रज्ञ कौन से है आत्मा और परमात्मा तो अब यह देखना इसलिए अब यह देखना तो अब इसका देखने का फायदा क्या होगा इसका बहुत फायदा है यह देखो कि जीव है प्रकृति है और परमात्मा है कौन कौन है जीव प्रकृति और परमात्मा आप जानते हैं जीव किसका भोग कर रहा है प्रकृति का जो भी वो खा रहा है पी रहा है तो जो कुछ भी बना रहा है कहाँ से ले रहा है वो प्रकृति से ही ले रहा है नेचर से ही ले रहा है ठीक है तो इसलिए प्रकृति है परमात्मा है जीव है और तीनों एक दूसरे से अलग है साइंटिस्ट कह रहा है कि मैं प्रकृति से जीव बना दूंगा बट दैट इज नॉट पॉसिबल वह बना नहीं सकता आत्मा कभी नहीं बना सकता ठीक है और एक चीज और देखना पड़ेगा ये भी देखना है कि परमात्मा कभी जीव नहीं है भगवान कभी जीव नहीं बन सकते जीव कभी परमात्मा नहीं बन सकता जीव कभी प्रकृति नहीं बन सकता और प्रकृति कभी जीव बन के अपने आप का भोग नहीं कर सकता तो तीनों एक दूसरे से क्या है अलग है तो जो इस प्रकार से लोग कहते हैं कि जीव भगवान बन जाएगा वो क्या है बेवकूफी एक टाइप की वो कै कर ही नहीं सकता ठीक है तो जैसे बढ़ते जाएंगे हम लोग इसको क्या हो जाएगा समझते जाएंगे ठीक है परमात्मा कभी जीव नहीं है और ना ही जीव कभी परमात्मा ये अगर हम देखने का अभ्यास करना सीख लिया ध्यान रखिए तो इसके लाभ बताए जाएंगे क्या कह रहे हैं पराम गति को अब प्राप्त होंगे पराम गति मतलब पढ़ते जाएंगे हम समझ आपको क्या देखने का प्रयास करना है कि परमात्मा भगवान कभी भी जीव कभी भी जीव नहीं है और जीव कभी परमात्मा कभी भी परमात्मा नहीं बन सकता ठीक है और परमात्मा जीव उस प्रकृति के साथ उस क्षेत्र में स्थित है अब देखिए इसके भी बहुत सारे फायदे हैं देखना पड़ेगा तो अगर आपको बहुत सुंदर आइडिया आता है तो आइडिया कौन दे रहा है भगवान दे रहा है अरे ओ, मेरे ख्याल से तो आई एम वेरी स्मार्ट मैन मेरी बुद्धि दे रही है आप लोगों दे रहे होंगे क्या ऐसा नहीं है हा? ऐसा नहीं है क्या तो ध्यान रखना चाहिए तो फिर कर्तापन का जो भाव है हमारा सो क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा कि मैंने क्या है इसकी कृपा से हुई भगवान की ठीक है जो भी ठीक है समझ रहे हैं ना जो जो कुछ भी इसमें बहुत फायदे हैं कुछ भी आप अच्छा कर पा रहे हैं भगवान तो की सेवा में आप कुछ भी कर पा रहे हैं तो देखेंगे कि कृष्ण आपको बुद्धि बुद्धि दे रहे हैं तो ध्यान रखें कि जो कुछ भी हम कर पा रहे हैं वो तो भगवान की ही कृपा से होगा भगवान बुद्धि तो श्रेय कभी, कभी, कभी तो किसको देना चाहिए अपने आप को देना चाहिए मैं पर इतना प्रचार कर पा रहा हूँ खेरे में इतना ताकत है आप देखते नहीं है मैं कितना मैं नहीं। मैं आपको नहीं। मैं बोल रहा हूँ मैं इतना मेहनत करता हूँ जी देखते नहीं है किसकी ताकत है ये किसकी ताकत है मेरी ओके okay. ओके अच्छा अभी अभी जा जा रहे okay, अभी उड़ जा रहे अरे वो वेरी नाइस ग्रेट तो इसमें कौन मदद कर रहा है माता जी आपको यस yes, भगवान देख रहे हैं ना भगवान मदद करते हैं अगर एक चीज ध्यान रखना चाहिए अगर हमारे भगवान की सेवा करने की इच्छा है तो भगवान उसको कभी क्या कहते हैं उसको भगवान बहुत प्रेरित करते हैं उठो उठो भगवान हमारे हृदय में है देखिए ऐसा नहीं है कि भगवान आपके हृदय में पहले से नहीं थे भगवान हमारे हृदय में है लेकिन भगवान क्या कहते हैं कि जब मैं सबके हृदय में हूँ लेकिन कैसी अवस्था में हूँ तो जब कोई जीव भगवान को प्रणाम करता है भगवान को भगवान का प्रसाद खाता है भगवान का ज्ञान को ग्रहण करने का थोड़ा सा भी प्रयास करते तो भगवान क्या हो जाते है एक्टिवेट हो जाते हैं और उसको हस्तक्षेप करना शुरू करते हैं चलो उठो है ना यस वेरी नाइस तो भगवान बुद्धि देते हैं ठीक है तो उसका श्रेय किसको देना चाहिए श्रेष्ठ प्रभु खुद को लेने से क्या दिक्कत है <laughs> लेकिन अब उठ जा रहे हैं वेरी गुड ओके <laughs> कोई लोग से नहीं उड़ी माते जी अभी उड़ गए अरे अरे वो बहुत अच्छा है ओके तत्वेता भक्तों के संग द्वारा व्यक्ति को उन विविध भगवान को देखना चाहिए जो सभी अस्थावर जंगम शरीरों में स्थित जीवों में एक रस समम रूप से विराजमान है और जो जीवों के शरीरों के नाश के समय नष्ट नहीं है विनश्यत अविनश्यंतम देखिए एक रस का अर्थ क्या है अब इसको समझना पड़ेगा थोड़ा सा आपको नोट्स दे रहा तो कल से शेयर कर दीजिए इन लोगों से ठीक है यहां क्या कह रहे हैं रस एक रस समम रूप से विराजमान है और जीवों के शरीरों के नाश के समय नष्ट नहीं होते विनश्यत स्व फिर जो नोट ठीक है देखिए एक रस का अर्थ क्या होता है एक रस का अर्थ होता है क्या एक समान अब एक और अर्थ इसका यह भी है कि जो कभी प्रकृति का संग नहीं करते जो अपने स्वरूप से कभी च्युत नहीं होते ठीक है जो अपने गुण से कभी अलग नहीं होते ठीक है भगवान का ज्ञान कभी नष्ट है लेकिन जीव अगर दो दिन चार दिन नहीं पढ़ेगा तो वह नष्ट हो जाएगा ना होगा कि नहीं ये माइनस बी का होल स्क्वायर कब तक याद रख पाओगे अगर नहीं पढ़ोगे तो नाइनटीन का पेड़ क्या कहते तो, टेबल याद है क्या बोलो मैथ से ग्रेजुएशन कर रहे है। याद है तो ये स्थिति है लेकिन बचप उससे पूछो का टेबल याद है को याद है? <laughs> क्योंकि उनका प्रैक्टिस है आपका प्रैक्टिस खत्म हो गया है तो भगवान का ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता है जैसे सूर्य हमेशा एक रस में होते सूर्य में कोई बदलाव नहीं होता है फिर आपके मन में प्रश्न हो जाएगा प्रभु लेकिन हम लोग सवेरे सूर्य को लाल देखते हैं बाद में पीला देखते हैं फिर यह कैसे होता है तो दिखते भले हैं, लेकिन हमेशा एक रस में अगर मैं ये प्रश्न करूं कि सूर्य सबसे अधिक गर्म गर्म कब होता है तो क्या बोलेंगे आप हमेशा गर्म होता है लेकिन वातावरण गर्म होने की वजह से हमें बारह एक बजे अधिक गर्मी महसूस ठीक है तो वैसे ही भगवान हमेशा एक रस में है रहते हैं ठीक है ठीक है एकदम तो अनादिकाल से है और अनंत समय तक भगवान है। वो हमेशा ही हमारे स्वामी रहेंगे उनके गुणों में कभी परिवर्तन नहीं आता है इसीलिए एक रस्ता कहते हैं अच्छा क्या जीव एक रस है बताइए, माधव रूप, जीव एक रस, सोच समझ के आंसर दीजिएगा कंडीशन हो सकते हैं इसमें शायद नहीं क्या तो लग रहा है माधवरी प्रूफ क्या लग रहा है आपको हा? नहीं लग रहा है क्या जीव एकरस? जीव एक एक रस नहीं वा? अब है भी अब इसको भी मैं प्रूव करूंगा कि नहीं है और है भी वही प्रूव करूंगा एबी और नहीं देखिए वह हमेशा अपनी पहचान प्रकृति से प्रकृति के विकारों से करता है ठीक है तो बार बार क्या होता है प्रवृत्त हो जाता है समझ रहे कभी इच्छा कभी काम कभी क्रोध कभी लोभ समझ रहे जब वह मुक्त अवस्था में जाएगा तब वह एक रस में हो जाएगा ठीक है <hthal� sociedad> जब वह मुक्त अवस्था में जाएगा तो एक रस में आ जाएगा लेकिन अभी की अवस्था जो है उसकी वह क्या है हमारी जो अवस्था है एक रस की अवस्था नहीं है लेकिन जब मुक्त अवस्था में चला जाएगा तो एक रस में हो जाएगा अभी क्या है कभी काम कभी क्रोध कभी मद मोह सब बहुत परेशान करते हैं लेकिन जब व्यक्ति एक रस में क्या कहते हैं उसको मुक्त अवस्था में चला जाएगा तो फिर वह तो एक रस उसमें ठीक है तब वो अच्युत नहीं होगा तब वो अपने स्थान से च्युत नहीं होगा ठीक है भगवान के भक्ति से वह कभी च्युत फिर नहीं होगा अभी आपको अगर थोड़ा सा से हटा दिया जाए तो तुरंत भक्ति सबसे पहला डाउन क्या होगा? भक्ति भक्तों का संग छूटने से सबसे पहले क्या खत्म होता है खत्म जैसे भक्तों का संग छूटा की भक्ति ठीक है हाँ कल करेंगे और कल वाला परसों करेंगे इस प्रकार से होता है ना से ऐसे ही होता है एक रस एक रस मतलब क्या होता है कि उनके शरीर में रहने से भगवान भगवान जो है भगवान के विषय में जिस के रस की बात हो रही है तो भगवान किसी के भी शरीर में रहे उनमें जैसे हमारे अंदर उद्विघनता होती है ना रोजे अब यहाँ नहीं मुझे बाहर जाना है यहाँ नहीं रहना है ये करना है मुझे ये खाना है मुझे वो पीना है इस प्रकार से होती है लेकिन भगवान में इस प्रकार से किसी प्रकार की उद्विग्नता नहीं आती वो किसी कोई शरीर में भी रहे तो भी उनको कोई कष्ट नहीं होता है सूर के शरीर में भी हो तो भी और देवता के शरीर में भी हो तभी ठीक है अब सुवर के शरीर में तो ऐसा नहीं आ रहे यार कहाँ फंस गया ये तो मल मूत्र खा रहा है और इसके शरीर के अंदर हो ऐसा नहीं या फिर देव योनि में तो ऐसा नहीं करे देवता लोग इतने भोग भोग रहे नहीं सामान्य रहते हैं एक रस रहते हैं और वह गुणों को प्रकृति के गुणों का संग वह क्या करते हैं नहीं करते है, कभी नहीं चाहे वह सुवर के शरीर में हो या देवता के शरीर में हो वह निर्लिप्त रहते हमेशा निर्लिप्त रहते ऐसा नहीं कह रहे जरा देखो कितना भोग प्राप्त है स्वर्ग देवता है, है अगले बार वह संबंध में कहते हैं कि भगवान एक चीज बहुत सुंदर बात कहते हैं बहुत ध्यान पूर्वक इसको सुनिए ठीक है देखिए भगवान हृदय में है और क्या कर रहे हैं भोग प्रदान कर रहे हैं लेकिन उससे वह निर्लिप्त रह रहे हैं वह उनको स्पर्श नहीं कर पा रहा है ठीक है और भगवान बैठे बैठे व्यवस्था भी कर दे रहे हैं सुविधा भी प्रदान कर कर दे रहे हैं तो कृपा जी संबंध में कहते हैं भगवान आप परमात्मा के रूप में हमेशा हमारे हृदय में है और आप हमें प्रेरित करें हरे कृष्ण महा जब करके आपका सदैव वरण कर सकती तो आप तो हमारे हृदय में ही है ये भगवान से हमारी प्रार्थना होनी चाहिए क्या भगवान आप हमारे हृदय में है कृपया मुझे प्रेरित करिए माला का जब बिना अपने नियम को तोड़े हुए एकदम ये इस चीज का ध्यान जब इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे तो भगवान हमें मदद करेंगे और हम उनकी कृपा से फिर सोलह माला का जप कर पाएंगे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे यस ठीक है तो यस स्पष्ट यस है जब व्यक्ति इस प्रकार से देखता है फिर परमात्मा क्या देखता है कि वो परमात्मा और जीवात्मा नष्ट नहीं जो व्यक्ति इस प्रकार से देखता है वो वास्तविक रूप से देख पाता है वही सत्य का दर्शन करने वाला बहुत अच्छी बात अच्छा प्रभु जी चीज एक चीज हमें समझ नहीं आता है कि भाई हम यह कैसे जाने कि गुरु महाराज ने सत्य का दर्शन किया गुरु महाराज को ये ज्ञान प्राप्त है उनको पता है वो वो उन्होंने मेरे साइड मुख पे मत मारिए मैंने कैमरा बंद कर दिया पर दिखाई था कि लोगों को दिखे ठीक है ओके डिस्टर्बेंस जरूर करती है ये मैं व्यवस्था करनी भगवान ने भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी हम लोग यहाँ पे तो अब क्या कह रहे थे हम लोग कि आ, हम लोग यह कैसे पता करें कि गुरु महाराज सत्य का दर्शन कि नहीं जो व्यक्ति इस प्रकार से देखता है वह वा वास्तविक रूप से देखता है वही सत्य का दर्शन करने वाला चीज हम लोग कैसे पता करें देखिए हम बस इतना देख सकते है तो गुरु महाराज जो कुछ भी ज्ञान दे रहे हैं वह केवल परंपरा से दे रहे हैं शास्त्र से दे रहे हैं बाकी उनका साक्षात्कार क्या है या हमारे रेंज से भी बाहर है हम उस रेंज तक पहुंचे भी अभी तक नहीं है अरे गुरु महाराज की बात छोड़ दीजिए ठीक है गुरु की बात तो छोड़ ही दीजिए कि उस किस रेंज पे है जो अनर्थ निवृत्ति के स्टेज पर है जो अनर्थ निवृत्ति के स्टेज पर है वह निष्ठा के स्तर के भक्तों का रेंज पता नहीं कर सकते सोच भी नहीं सकते अभी तो जिनको जब में नींद आती है वह आश्चर्य है करते हैं कि यह लोग जब में सो कैसे जा रहा है नींद कैसे आ जाती है जब में और जिनको नींद नहीं आती जिनको नींद आती वो सोचते हैं यार यार सो क्यों नहीं रहा रहें तो ऐसी स्थिति हो जाती है है ना तो उनकी चेतना के विषय इतनी आपसे उच्च है कि उस वहां, उसके रेंज तक हम लोग पहुंच भी नहीं है अभी ठीक है आगे कह रहे हैं तो इस प्रकार से वह देखता है कि जो परमेश्वर भगवान कृष्ण एक रस और अविनाशी है वे प्रकृति संयुक्त जीव में विविध है मतलब अलग है मतलब भगवान श्री कृष्ण इस शरीर में है और जीव जो इस प्रकृति से युक्त हो करके भोग कर रहा है उससे भगवान क्या है एक है अलग है ठीक है अलग है कभी जीव कभी यस कभी भगवान जीव नहीं बनते कभी जीव भगवान नहीं बन सकते तात्पर्य पढ़िए नहीं है? नहीं पढ़ता हूं। पर, जो व्यक्ति सात संगी सत्संगी से तीन वस्तुओं को शरीर शरीर का स्वामी या आत्मा तथा आत्मा के मित्र को एक साथ संयुक्त देखता है वही सच्चा ज्ञानी है यह ध्यान देना होगा कि तो के अलावा व्यक्ति कदाचित उदे सत्संग में भी कभी कभी चले जाते हैं तो वहां पर क्या जा हो जाता है गड़बड़ कर जाएगा व्यक्ति ठीक है आत्मा कौन है भगवान कौन है मैं कौन हूँ जीव कौन है सब कुछ वह कंफ्यूज कर जाएगा आप नहीं जानते कि बाहर के लोगों को यह बात समझ में नहीं आती है यहाँ तक कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति जो बोल रहा है ना उसे भी यह बात समझ में नहीं आती है अब जाएंगे तो पता चलेगा उस सचिदानंद की प्राप्ति करनी है उस सचिदानंद की प्राप्ति करनी किसकी उस अरे किसकी उस किसकी नाम तो बताओ सचिदानंद पता ही नहीं किसके विषय में बता रहे हैं कौन है सचिदानंद इनके विषय में उस सचिद अरे अरे बता भाई किसके कोई कंफ्यूज कंफर्म ही नहीं बता रहे इनके विषय में कृष्ण सचिदानंद विग्रहाना द्वकारन? कौन है त्वर कृष्ण परम सचिदानंद विग्रह क्लियर ब्रह्मा जी कह रहे हैं ब्रह्म संहिता में फिर भी वो कह रहे हैं कंफ्यूज है उस 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 अरे भाई उस उस कौन उस आपने सुना होगा ऐसे प्रवचन में कहे जाते हैं क्लियर जब उन्हें खुद पता नहीं है, तो क्या बताएं ये स्थिति होती है ठीक है तो फिर जब हम इसको परंपरा में सुनते हैं तो हमें यह चीज क्लियर पता चले क्या जब कृष्ण का नाम नहीं पता है उसे तो फिर वो किसकी प्राप्ति कर उनसे पूछिए कि ईश्वर कौन है परमेश्वर कौन है परुण? वो खाली बोलेंगे उस परमपिता की प्राप्ति करनी है उस परम एवं हमारे प्रभु जी इस प्रकार से राजस्थान में कथा कर रहे थे क्लास कर रहे थे एक बुजुर्ग व्यक्ति गए हाँ हम जानते हैं कि हमें उस परमपिता परमेश्वर के पास जाना है तो प्रभु जी बोलते है किसके पास उस परमपिता परमेश्वर के पास उस परमपिता परमेश्वर के पास प्रभु किसके पास किसके वो भी प्रभु जी भी करते रहे किसके किसके वो भी बोलते रहे और अंत में वो डर में आके कृष्ण के पास कृष्ण के पास जाना है तो ऐसी स्थिति हो जाती है ठीक है आगे कह रहे हैं जब तक आध्यात्मिक विषयों के वास्तविक यात्रा की संगति नहीं मिलती तब तक कोई इन तीन वस्तुओं को नहीं नहीं देख सकता इसलिए जो लोग इन तीन वस्तुओं को नहीं देख पा रहे उनसे हमें गाइडेंस नहीं लेनी चाहिए क्या नहीं देख पा रहे है? जीव श, जीव भगवान और प्रकृति ठीक है अगर वह नहीं देख पा रहा है तो उनसे हमें गाइडेंस नहीं अगर आपको कहीं जा अब ये इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं अगर आपको कहीं जाना है आप ऐसे व्यक्ति से तो रास्ता नहीं पूछेंगे ना जिसे नहीं पता है नहीं तो वो व्यक्ति क्या करेगा आपको गलत रास्ता बता देगा और फिर क्या हो जाएगा आप गलत दिशा में चले जाओगे जाना था दिल्ली चले गए चेन्नई अपोजिट है ना ये बहुत बहुत साधारण सी बात है लेकिन बड़ी कठोर बात है ध्यान रखिए उनको चाहे हमारे अपने रिलेटिव भी हो या फिर कोई भी हो अगर उन्हें पता नहीं है बातें तो सब लोग बहुत बड़े बड़े करते हैं लेकिन पता नहीं है तो फिर वह कुछ बता नहीं पाएंगे और जीवन में आप देखेंगे तो हम अपने संबंधियों के साथ भी बैठते हैं तो फिर वह क्या करते हैं केवल आहार निद्रा भय मैथुन चार चीज छोड़ करके और कुछ बात करते हैं पांचवा कभी पता किया आज तक शादी में सब माता जी लोग बैठते हैं या फिर हम लोग भी जाते हैं तो साढ़ू भाई लोग बैठते हैं या फिर समधी लोग बैठते हैं तो पता चलता है कि कभी कुछ तत्व के विषय में बात हो कहा है बस यही बात होती है वहां पे एक घर ले लिया मैंने फिर गाड़ी खरीदा घर बनाना शुरू कर रहा हूँ बस उसको अच्छा ही नहीं लगेगा मैं कभी कभी जाता हूँ मैं कभी कभी जाता हूँ हमारे संबंधियों के इधर तो वहां पे ऐसी बातें होने लगती फिर मुझे भी टेंशन होने लगता है यार अभी एल नहीं लिया अभी घर नहीं बनाया होगा फिर मैं वहां से भागता अरे क्या कर रहा हूँ मैं भागो यहाँ से भागा तो फिर पता चलता अच्छा चलो अभी शांत हूँ अभी ठीक हूँ तो ऐसे लोगों के संग में रहने से भी व्यक्ति को बहुत तकलीफ हो जाती है ध्यान देना चाहिए यस विषयों के संग रहेंगे तो फिर उनसे आपकी संपर्क में हो जाती एक में तो उन्हें रास्ता पता नहीं है और वो क्या करेंगे आपको और धकेल देंगे यस विषय रंग विषय लोगों के संग में रहेंगे तो आप विषय हो जाएंगे यस जैसे प्रहलाद महाराज देखिए क्या उन्होंने अपने पिताजी का त्याग कर दिया नहीं ना उनसे प्रेम भी करते थे उनकी इज्जत भी करते थे लेकिन उनका संग नहीं करते थे संग नहीं चलते थे ठीक है <laughs> ठीक है ओके, <Okay>. <laughs> तो हमें चाहिए कि हम ऐसे लोगों के पीछे नहीं चले बस ठीक है कर्तव्य ठीक है दूर हाँ दूर रहे बस गया नहीं तो फिर होगा वही कि व्यक्ति अगर पीछे चलने लग जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा तुरंत हमारा भी पता ठीक है ध्यान रखिए कहते हैं ना बहुत सुंदर भजन है ना क्या कहते हैं जीवन क्या था कमल हरिपद नीति रे रे मन श्री नंद नंद अभय चरणारृंद रेमन अभ्य चरण जो आपके प्राप्त प्रदान करने वाले हैं श्री नंद नंदन क्योंकि जीवन कमल दल जीवन कैसा है कमल के पत्ते के ऊपर पड़ा हुआ एक ड्रॉप होता है ना कमल के पत्ते के ऊपर कोई बूंद डालो एक बूंद पानी डालो तो कैसे कांपता है नाचता है ना हवा मारा तो बूंद इधर हवा मारा तो बूंद इधर उसी प्रकार से हमारा जीवन है ये गिरा ये गिरा ये गिरा ये गिरा और धड़ाम से गिर जाता है ठीक है तो इस बात को ध्यान रखना चाहिए ठीक है और दो दिन चार दिन तो एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम भक्तों का संग नहीं करेंगे माता जी तो अभी आप सवेरे उठ पा रहे हैं दो दिन चार दिन उठ पाएंगे और फिर भक्ति नहीं करेंगे तो फिर नहीं नहीं उठ पाएंगे अगर भक्तों का संग त्याग देंगे तो फिर नहीं ओके okay. <laughs> गुड तो जिन लोगों की ऐसी संगति नहीं होती अज्ञानी है केवल शरीर को देखते हैं और जब यह शरीर विनिष्ट हो जाता है तो समझते हैं कि सब कुछ नष्ट होगा अगर आपको याद हो तो अभिनिवेश में हम लोग चर्चा किए थे अभिनिवेश का अर्थ क्या था मेरे भोग के जो साधन है जो शरीर और जो इंद्रिया है अगर यह खत्म हो गई तो मैं भी खत्म हो जाऊंगा जैसे कभी किसी का धन छूट जाता है तो हम हरे बाप हमारा सब तो खत्म हो गया हम तो बर्बाद हो जाएंगे बर्बाद हो गए जाएंगे नहीं हम तो बर्बाद हो गए मेरा सब हो गया आप तो कुछ नहीं बचा क्यों क्योंकि हमारी पहचान उनसे होती है और मैं मैं एक बात बताता हूं आपको मैं अभी एक भी भक्त है उनके साथ बहुत बड़ा चीटिंग हुआ और कई करोड़ों का बिजनेस है उनका और वहा अभी तो फिर जब चीटिंग हो गया तब तो ही दिए पूरी तरह से और अभी कोई भी तनिक भी उनके माथे पर मैंने सिकन भी नहीं देखा और वह व्यक्ति गौशाला में रह करके सेवा कर रही भक्तों की स्थिति वह अपनी पहचान उससे करेंगे ओके तो तो इन सारी चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए ठीक है क्योंकि हमारी पहचान उससे नहीं है ठीक है ध्यान रखिए वाणी में बहुत पावर होती है अगर हम ऐसे लोगों के संग में बैठेंगे तो फिर वैसे धीरे धीरे करके हम लोग गिरते जाएंगे गिरते अरे एल आई सी नहीं कराया वो नहीं कराया ये नहीं कराया घर नहीं लिया गाड़ी नहीं लिया फंस जाएंगे अब बताओ जिन्होंने माता के गर्भ में हमारी रक्षा कर लिया माता के गर्भ में कौन खाना देने जाता था तुमको बताओ बताओ शंकर प्रभु कौन देता था आपको खाना माता के घर में कोई खाना देने जाता था वहां भी तो आप थे ना जीवित रहे ना जीवित भगवान ने वहां पे भी व्यवस्था किया कि नहीं किया और निकलने के बाद क्या माता जी आपके जो फैमिली वाले ने प्लेट तैयार रखा था प्रसाद का यार खिलाऊंगा रोटी पुआ पकवान ऐसा कुछ रखा था नहीं लेकिन जैसे आप उत्पन्न हुए भगवान ने माता के गर्भ में आपके जन्म होने से एक सेकंड पहले जिनके स्तन में दूध नहीं था आपने जन्म लिया और तुरंत भगवान ने वहां पे दूध प्रवाहित कर तो क्या वो भगवान रक्षा नहीं करेंगे ठीक है ये सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए दरा, लोग डराते हैं लेकिन भगवान ध्यान रखना चाहिए हमेशा ऐसा और इस जगत में बहुत लोग बोलते हैं अरे केवल हरे कृष्णा ही करते रहोगे कि जीवन में भी कुछ करना है बहुत लोग इस प्रकार के टोंट कसते हैं इस जगत में भी कुछ बनना है समाज में क्या मुख दिखाओगे ये सब बातें बोलते रहते हैं बहुत प्रेशर क्रिएट करते रहते हैं तो श्रवण के द्वारा हमारी भक्ति हमारी हमारी मति भ्रमित हो जाती है अगर हम ऐसे लोगों के श्रवण करेंगे तो और फिर भक्तों के साथ श्रवण में रहेंगे तो फिर क्या हो जाता है लेकिन वास्तविकता यह नहीं है शरीर के होने पर आत्मा तथा परमात्मा का अस्तित्व बना रहता है और वे अनेक विविध चार तथा अचर रूपों में सदैव रहते हैं शरीर नष्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा दूसरा शरीर प्राप्त हो जाएगा और उसको प्राप्त होने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है ठीक उसी प्रकार से होता है जैसे आपने वो कीड़ा देखा होगा एक कीड़ा होता है जो पत्ते को खाता है तो वह दूसरे पत्ते को एक पत्ता खाते जाता है उससे चलते जाता है और दूसरे पत्ते को पकड़ते जाता है और जैसे ही दूसरा पत्ता पकड़ लेता है पहले वाले पत्ते को पूरी तरह से छोड़ देता है शरीर भी ऐसे ही धारण होता है एक पत्ता छोड़ा और दूसरा पत्ता धारण कर लिया ठीक है तो इसलिए मृत्यु से भयभीत नहीं होना फिर में प्रश्न हो जाए प्रभु भाई भी जन्म में हम इतने सुंदर मनुष्य इतना सुंदर जब होगी जन्म में कुत्ता बन गए ध्यान रखिए उसको तो भी अपना शरीर ना ही प्रिय है जब हो ठीक है आगे कह रहे हैं अभी संस्कृत शब्द के शब्द परमेश्वर का अनुवाद जीवात्मा के रूप में किया जाता है क्योंकि आत्मा ही शरीर का स्वामी है और शरीर का विनाश होने पर वह अन्यत्र देहांतरण कर जाता है इस तरह वह स्वामी है लेकिन कुछ लोग इस परमेश्वर शब्द का अर्थ परमात्मा लेते हैं प्रत्येक दशा में परमात्मा तथा आत्मा आत्मा दोनों रह जाते हैं वे विनिष्ठ नहीं होते जो इस प्रकार देख सकते हैं वही वास्तव में देख सकता है क्या घटित हो रहा है ये बात यहाँ पे दो दो लिया जा रहा है तो दोनों बहुत बहुत नहीं आपको समझना पड़ेगा कि आचार्य का गोमें थोड़ा थोड़ा अलग अर्थ है कि कोई परमेश्वर को ही जीव इस शरीर का क्योंकि जीव इस शरीर का भोग कर रहा है इसलिए अधिष्ठित है चीज को भोग कर रहा है तो इस शरीर का ईश्वर उसको जीव को कहते हैं और वह इस शरीर के नष्ट होने के बाद नहीं नहीं नष्ट होता है कुछ लोग यह भी अर्थ निकालते हैं कि परमेश्वर का अर्थ परमात्मा भी पर। श्रीमद भगवद गीता यथारूप की जगदगुरु शुल प्रपात की गीताय गौतम हे कृष्ण ओके सो तो मच सही भक्तों का बहुत धन्यवाद आए भाव देखिए देखिए जीव हो सकता है मुक्त अवस्था में मुक्त अवस्था में वह एक भाव में हो जाएगा ठीक है लेकिन जब वह मुक्त अवस्था में नहीं है अभी हमारी ऐसी स्थिति नहीं है अभी हमारी स्थिति क्या है थोड़ा सा इधर हुआ तो तुरंत विचलन हो जाएगा लेकिन लेकिन जो मुक्त है उनकी ऐसी स्थिति नहीं है वह एक भाव में कृष्ण नृत्यदास अगर आप स्वरूप में स्थित हो जाएंगे तो फिर तो आ, बिल्कुल हरे कृष्ण ठीक है अब हम लोग पारायण कर लेते हैं फाइव मिनट ब्रैन फाइल दिख रहा है आप लोगों को